मतलब देखो भाई, कई दवा देंगे न तुमको नुकसान करेगा और न फायदा करेगा। कि भाई अब गांव में विकास होगा, संजय दत्त ने इस गांव को गोद लिया है। सुनील दत्त आए, आए वो होश में आए। अच्छा, वो अच्छा। तो बहुत दूर दूर से सब खेत से दौड़ते हुए चले आ रहे थे, साइकिल लेके पैदल। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुँच गए उस गाँव में जहाँ पर कि संजय दत्त की जो माँ थी उनका जन्म हुआ था, यानी कि संजय दत्त की नानी के गाँव में। और अभी हम उस घर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर उनका घर है, और उससे पहले ही हमें एक चचा मिल गए हैं, ये उनसे ज़रा बातें करते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? कुद्दूस अली। कुद्दूस अली जी। अच्छा अच्छा, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो चचा, यहां पर नरगिस दत्त का घर बताया जाता है आपके गाँव में? तो नरगिस दत्त का घर तो हमने आपको बताया, जैसे गांव के अंदर घुसेंगे तो उनका जो घर था जी, वो सब उनके जो है मामा लोग नरगिस के जी, उन्होंने बेच लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब सारे ईंट पत्थर सब उठा ले गए, जमीन उनकी बची हुई है जी। और उनका वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, नरगिस दत्त बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, नरगिस दत्त इमामबाड़ी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आती थी कभी वो? एक बार आई थी। अच्छा। हाँ, हम लोगों को याद है, बहुत दिन काफी हुआ, एक बार आई थी उन्होंने। अच्छा। और कुछ ये इंटर कॉलेज है यहाँ सुरीपुर में, वहाँ कुछ पैसा भी उन्होंने दिया था उनको। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनवाया सुनील दत्त जी ने? हाँ, हॉस्पिटल सुनील दत्त जरूर बनवाया है, वो है हॉस्पिटल है वहीं पे। अच्छा, वहाँ पर है? हाँ, है एक। अच्छा अच्छा। तो वो हॉस्पिटल में कोई दम नहीं है? दम नहीं है। हाँ, कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं, वही ना कोई मरीज जाते हैं। अच्छा, इतना रुपया लग के वो बर्बाद हो रहा है वैसे। अच्छा, शादी के बाद नरगिस दत्त आती थी गांव में? नहीं, एक ही बार आई है बस। अच्छा, एक बार आई है। हाँ, एक ही बार। सुनील दत्त के साथ? सुनील दत्त उस तक मैं नहीं थे। अच्छा, अकेली थी? हाँ, अकेली थी। सुनील दत्त आए थे एक बार, सुनील दत्त भी। अच्छा, वो नहीं थी, अकेले वो आए थे। अच्छा अच्छा। नहीं, बताया जाता है कि 1996 में सुनील दत्त और वो दोनों आए थे यहाँ पर। सुनील दत्त और नरगिस दत्त दोनों आए थे यहाँ पर 1996 में। अच्छा, हो सकता है आए होंगे, मगर हमको सुनील दत्त का ध्यान नहीं है, वो नरगिस का ध्यान है कि वो आई थी, नरगिस आए। अच्छा, यही बताया जाता है कि मुहर्रम, जब मुहर्रम होते थे तो हर मुहर्रम हर साल आती थी वो? नहीं, नहीं। अच्छा, यहाँ पर चचा एक दरगाह है, जैसे जैसे कि यहाँ पर संजय दत्त जब जेल में थे तो गाँव के लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। हाँ, है। क्या था मामला? वही संजय दत्त छूटने के लिए सबने अच्छा अच्छा दुआ किया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, कि छूट जाए। अच्छा, अच्छा गांव के लोग चार चार गए, गांव में भी आए वो? अच्छा अच्छा। जब से उनका आना नहीं हुआ अभी भी। अच्छा, संजय तो नहीं आए गांव में कभी भी? अभी नहीं। तो चचा ने हमें जो भी जानकारी थी सटीकता से, जिन बातों को हमने पूछा उनका जवाब दिया। अभी हम आगे चलते हैं और गांव में देखते हैं वो मकान कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों लगातार आप वीडियो में बने रहिएगा। जब वो आई थी तो गांव उनको देखने के लिए सब परेशान थे, तो कैसे देखे इतनी भीड़ में। अच्छा, अच्छा। उन्होंने एक मकान था ऊपर, वो गिर गया है, वो उसके छज्जे के ऊपर खड़ी हो गई थी। वो सब गांव वालों ने देखा और जहां जहां खबर उनको गई कि आई हुई है। अच्छा। तो बहुत दूर दूर से सब खेत से दौड़ते हुए चले आ रहे थे, साइकिल लेके पैदल। अच्छा। चारों तरफ से देखने के लिए सुनील दत्त। अच्छा। बोले थे आने के लिए, मगर उसी पीरियड में उनका लगता है डेट हो गया क्या? हाँ हाँ, खत्म हो गया, ये कैंसर से। हाँ, नहीं वो आते जरूर। अच्छा अच्छा। सब गांव को यही तमन्ना है कि एक बार आए यहाँ पे, जो है उनका स्वागत किया जाए। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने भी दुआ किया था कि संजय दत्त छूट जाए। हाँ। कि अपने गांव में जरा, अपने ननिहाल में आके जरा देखें वो भी। हाँ। तो गाँव का कुछ विकास भी होगा। गाँव का विकास। कोई कॉलेज वगैरह नहीं है? कॉलेज नहीं है यहाँ पे। अस्पताल बनवा दिया था सुनील दत्त जी ने? हाँ, अस्पताल तो बनवा दिया है, मगर उसमें भी कोई किसी को लाभ नहीं है उसमें। लाभ नहीं उससे? अच्छा। न कोई डॉक्टर रहते हैं। हाँ हाँ। और इतनी बड़ा बनवा के सब चोर चुपोंग सब रह के वहाँ सब पंखा वंखा खोल लिए, इतना बड़ा बड़ा व्यवस्था बढ़िया बनाया था अस्पताल जैसा। अच्छा। मरीजों को सभी दवा मिले, आराम होम मिले, मगर यहाँ कोई चीज़ नहीं। दो डॉक्टर खाली आते हैं, कंपाउंडर, वो अपना झाड़ू उड़ू लगाए, सोए दिन भर और चले गए। अच्छा। कोई मरीज भी नहीं जाता। मरीजों को दवाई वगैरह नहीं मिलती वहाँ? कुछ नहीं मिलती, वही एक ही दवा मिलती है, जो भी मर्ज को देखो वही एक ही दवा देंगे, न तुमको नुकसान करेगा और न फायदा करेगा। चाचा, यहाँ पर नरगिस दत्त का घर बताया जाता है, वो जाओ वो जो धंधा टांगा है ना हरा वाला? अच्छा अच्छा। उसके सामने वाला है? अच्छा अच्छा। उसके सामने वाला गीघा है? हाँ हाँ। वही वहाँ बोर्ड टांगा है? बोर्ड टांगा है वहाँ। अच्छा अच्छा।
तो यहाँ पर नरेश दत्त को देखा था कभी? कभी आपने आई थी यहाँ? कभी आती थी यहाँ पर नरेश को? हाँ, अरे बचपन में देखे थे। बचपन में देखे थे आप? यहीं पर पैदा हुई थी वो? हाँ, पैदा हम नहीं जानते, मगर सुना था आपने बचपन में। अच्छा, कितने बड़े देखा था आपने उन्हें? कितनी बड़ी थी तब देखा था आपने? हम? हाँ, अरे हम 5-6 साल। अच्छा अच्छा, और उनकी उम्र कितनी रही होगी? अरे उनका ज़्यादा होगा, पता नहीं। और सुनील दत्त आए कभी यहाँ पर? सुनील दत्त आए आए वो होश में आए। अच्छा, वो और ये मकान अभी कच्चे बने हुए हैं आपके यहाँ हैं? इस मकान में रहता है सामने वाले कोई? नहीं। अच्छा, अब इसमें कोई नहीं रहता सामने वाले में? रहता है, रहते परिवार रहता है इसमें। अच्छा, ये बातें करता है आपसे? अच्छा, क्या क्या खिलाते हो उसे? अच्छा, अरे बात सुन, कभी खोला है आपने? और नहीं जाए खोलने से? अच्छा, खोलते नहीं हो। दोस्तों आपको बता दें कि मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त, जिनकी माँ का नाम जद्दन बाई था, वो यहीं और इसी गांव की रहने वाली थी। ये गांव तब चर्चा में आया था जब इस गांव की कुछ समस्या को लेकर के पिछले कुछ समय से संजय दत्त जो थे वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उन्होंने इस गांव को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। तब से ये गांव फिर से सुर्खियों में है और इस गांव में पहले नरगिस दत्त आती रही हैं और यहीं पर उनका जन्म हुआ था, यहीं पर वो पली बड़ी थीं। दोस्तों आपको बता दें जो उनकी माता जी थीं जद्दन बाई, उन्होंने 3 शादियाँ की थीं और सबसे पहले उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो अपने बेटे अनवर हुसैन को प्रमोट किया और उनके द्वारा फिल्म बनाई। लेकिन जब वो फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए उसके बाद में उन्होंने नरगिस दत्त को फिल्मों में उतार दिया। नरगिस दत्त ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कामयाबी के ऐसे झंडा गाड़े कि वो आज तक काफ़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति प्राप्त हुई और दोस्तों कई सुपरहिट फिल्म उन्होंने बॉलीवुड को दी। तो आज हम उन्हीं के गांव में आए हुए हैं और उन्हीं के जो पड़ोसी हैं उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर नरगिस दत्त कब से नहीं आई हैं और कब आई थीं। अब तो खैर उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इंतकाल से पहले वो कितनी बार गांव में आई, संजय दत्त कितनी बार गांव में आए, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो लगातार आप वीडियो में बने रहें। तो देखिए अभी हमारे साथ एक ये चचा जुड़ गए हैं। चचा क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद जी। तो चचा हमने वीडियो में कई बार आपको देखा, तो चचा आज ये यहाँ कुछ सामने देखने पता चल रहा है आप पैरों से परेशान हैं आप? जी हाँ। बचपन से ही चचा परेशान हैं आप? हाँ। अच्छा, बचपन से परेशान है और ये पैदाइशी नहीं था। अच्छा अच्छा, पैदा होने के 2.5 साल बाद हुआ है ऐसा। अच्छा। पोलियो हो गया 2.5 साल बाद जी। अच्छा, तो अब आपको पेंशन वगैरह मिलती है सरकार से? जी हाँ मिलती है। मिलती है? शादी वगैरह बच्चे हैं? हाँ शादी हुई थी। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं आपके? बच्चे हैं मेरे 6, 3 बेटे 3 बेटी। अरे बहुत सुंदर। हाँ, ईश्वर की कृपा से। दुकान चलाते हैं आप? दुकान चलाते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहली बार तो चाचा को देखने के बाद हमें काफ़ी दुख हुआ। मुझे तो ये लगता था कि बिल्कुल सही होंगे और दोनों पैर चाचा के नहीं है, पोलियो से परेशान हैं। परेशान क्या, ज़िंदगी परेशान है पूरी, और ये लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने। तो जब आप इतनी परेशानी में रहे तो किस प्रकार से ज़िंदगी को लिया आपने? बस ऐसे ही गुजर रही है। अच्छा, जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छी बात कही आपने, और अभी मुस्करा रहे हैं और आराम से अपना जीवन। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चचा ये तो हो गई आपके बारे में बात जी। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मशहूर अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, तो उनका घर है यहाँ पर? जी, घर था। घर था, अब तो खंडहर भी नहीं है। अच्छा, जगह है जी। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ कभी आई? सुने हैं लोगों से, अपने बुजुर्गों से कि आई थी। अच्छा, आपने उन्हें कभी देखा? जी नहीं। अच्छा, हम बहुत छोटे थे, 2-2.5 साल के थे, तब सुनते हैं कि आई थी 1966 में। अच्छा, 1966 में आई थी यहाँ पर? हाँ, 1966 में आई थी, उसके बाद से नहीं है। अच्छा, तो उस वक्त आपने देखा था उन्हें? हम तो कह रहे हैं कि ना। अच्छा, आप छोटे, ये बड़े भैया हैं आपके? ये आप बड़े हैं ये? हाँ बड़े हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, तो इन्होंने देखा था उन्हें? नहीं। अच्छा, आपने देखा था उन्हें? हाँ। अच्छा, तो कौन आया था उनके साथ में? नरगिस आई थी। अच्छा, अकेले आई थी? अकेले। अच्छा, नहीं बताया जाता है कि हर वर्ष मुहर्रम के वक्त यहाँ पर आती थी वो? नहीं,
अच्छा ये गलत है, ये अफवाह है। अच्छा सुनील दत्त साहब आए थे यहाँ पर? सुनील दत्त जी आए थे 1991 में। 1991 में आए थे? हाँ आए थे। अच्छा अच्छा, तो उनसे तो आपकी बात हुई थी ना? हाँ हमारी दुकान वहाँ थी उस वक्त। अच्छा अच्छा, उस स्थान पर। जो मकान आपका ही है? हाँ हमारी ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ आए थे, वहाँ हमारी बेंच पे बैठे हुए थे और करीब 20 मिनट रहे होंगे, तब से भीड़ जुटने लगी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम बिना बताए हुए चले आए थे, उसके बाद चले। चुनाव के समय आए थे यहाँ पर? 1991 में कौन सा चुनाव था, उस वक्त कोई चुनाव नहीं था। चुनाव नहीं था जी? अच्छा, केवल ऐसे घूमने चले आए थे? जी जी जी। अच्छा, मतलब सरकारी सूचना नहीं दी थी किसी के लिए? अच्छा, क्योंकि पब्लिक भी ज्यादा हो जाती तो एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1991 पे आए थे। उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ गाँव वालों ने मांग की थी हॉस्पिटल की, अस्पताल बनवाने की, तो उन्होंने गांव के किनारे में अस्पताल बनवाई है, बनवा दिया। आप जाके देखे? अच्छा अच्छा। संजय दत्त आए कभी यहाँ पर? 2012 में। अच्छा। मुलायम सिंह के साथ प्रचार करने आए थे समाजवादी पार्टी का, मगर गांव में नहीं आए थे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक सिरसा बाजार है, वहीं कॉलेज पे आए थे प्रचार करने। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अब सुना है कि संजय दत्त ने इस गांव को गोद ले लिया है, तो हाँ, ठीक सुना है? हम जैसे आपने सुना है वैसे हम लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गोद लिया है ये। हाँ, कई साल से सुन रहे हैं। अच्छा, पहले पंचवर्षीय में योगी जी ने जब चुनाव जीता था तभी से सुन रहे हैं, उसके अच्छा। बाद ये दूसरा भी जीत लिया उन्होंने, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। अच्छा, कोई विकास हुआ कुछ? कुछ नहीं, कोई विकास कुछ नहीं हुआ। जब गोद लेने की बात आई तो गांव में बड़ी खुशी थी, सब लोग बड़े उत्साहित थे कि भाई अब गांव में विकास होगा, संजय दत्त ने इस गांव को गोद लिया है। गांव से बहुत सारे लोग गए थे भाई, गांव के लोग गए थे, मिले भी थे, चलने का आग्रह भी किया, रिक्वेस्ट करी। अच्छा, कि चलिए आप यहां से 8 किलोमीटर थोड़ी दूर तो है जो है, तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दे दिया कि देखिए हमारी हम प्रचार में हैं इस वक्त और जहाँ जहाँ का परमिशन होता है वहीं जाते हैं। हाँ, वहीं जा पाते हैं। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, संजय जी तक ये खबर पहुँच जाए कहीं इत्तेफाक से, तो क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उनको यहाँ से जरा भी प्रेम है, लगाव है, मोहब्बत है अपने ननिहाल से, तो यहाँ आए वो और देखें समझें और वो इस लायक हैं ईश्वर की कृपा से कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। मालिक ने उन्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। तो यही अपेक्षा है गाँव वालों की, यही उम्मीदें हैं, यही आशाएं हैं कि आए यहाँ कुछ करें। बिल्कुल सही, हम ननिहाल वालों के लिए कुछ विकास का माध्यम बनाए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ धंधा पानी की व्यवस्था, रोजगार मुहैया कराए। तो ये मकान अब किसके नाम है? ये मकान देख लीजिए, वहाँ आप जाएंगे, अभी वीडियो बनाएंगे वहाँ। तो चाचा आप हमारे वीडियो में आए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी दूर से चलकर वीडियो बनाने हमारे गाँव में आए और ये वीडियो उन तक पहुँचाए, तब हम जाने के आप आने का मतलब कोई हल निकला। तो दोस्तों देखिए, अभी चचा ने एक बहुत बड़ी अपील की कि ये वीडियो संजय दत्त जी तक पहुंच पाए, इस प्रकार का कुछ कार्य आप करें। हाँ, यही कहना है ना आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चचा आपको हम बता दें दोस्तों, जैसा कि चचा को जानकारी नहीं है और हम आपको बता रहे हैं, हमारा काम केवल वीडियो बनाना और अपलोड करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कराने का काम आप जैसे जो देख रहे हैं, दर्शक चचा को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो, चचा की जो कह रहे हैं वो हो पाए इस गांव में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जब आप यहां पर आएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, ये जमीन नरगिस दत्त फाउंडेशन के अधीन है और पूरा पता यहां पर लिखा हुआ है जो कि मुंबई का है, और इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मकान के नाम पर अब कुछ नहीं बचा है, जो भी है यहाँ पर वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर ये एक खंडर रह गया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये जो वहाँ से और वहाँ तक पूरा जो आप देख पा रहे हैं खंडर, और ये जो खंडर है ये है जद्दन बाई का घर, यानी कि संजय दत्त की नानी का घर, और
नरगिस दत्त की माँ का घर। तो देखिए ये कुछ यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, तो आपको दिखा दें। अभी देखिए पहले यहाँ पर क्या था, एक लकड़ी की छत पड़ी हुई थी और अब वो नीचे गिर गई है एकदम से। और आपको दिखा रहे हैं नरगिस दत्त जब भी कभी आती थी तो अपने मकान में ही रुकती थी। और देखिए ये जो किवाड़े हैं, ये किवाड़े बाहर को निकल गई हैं इस प्रकार से। यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं आप। ये लकड़ी जो थी, लकड़ी कई सारी गल गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर केवल मिट्टी का ढेर बचा है, मकान के नाम पर मिट्टी का ढेर बचा है। और ये वो लकड़ी हैं जो कभी जद्दन बाई की छत हुआ करती थी। अब ये सब कुछ मिट्टी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर ही एक कुआ है, वो कुआ भी अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जद्दन बाई के घर के ठीक सामने एक ये कुआ है। और ये कुआ काफ़ी गहरा है, अब तो इसमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, काफ़ी गहरा है ये। क्यों भी पानी नहीं है इसमें? पानी नहीं है तो देख सकते हैं आप, आपको अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये मतलब ये घर भी काफ़ी अच्छा रहा होगा किसी ज़माने में। अरे वो बहुत बढ़िया बना था ये। अच्छा हाँ, तो कुआ था यहाँ पर, तो मान लीजिए कुआ तो अच्छे लोग ही बनवा पाते थे उस वक्त। अरे एकदम बहुत बढ़िया था, जो है बाद में सब गिर गया जो है। अच्छा, और उन्हीं कोई परिवार का आया था तो जो गाटर पटिया था वो सब बेच बात दिया। अच्छा, उनके परिवार के बेच भी गए यहाँ पर आके? हाँ, तुम्हारे कहते तो है परिवार के, हम लोग जानते नहीं परिवार के हैं कि कौन है जो कलकत्ता से आए थे जो है। अच्छा, उनके उनके एक भैया भी थे अनवर हुसैन, वो हैं अब? अब ये तो हम नहीं बता, कभी सुनाया आपने उनके बारे में? ये सब जानते होंगे जो है। अच्छा, ये उनके परिवार के ही हैं? हाँ, परिवार ही। अच्छा, उनके परिवार के ही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है, लेकिन ये ताला कभी नरगिस दत्त या उनकी माँ ने लगाया होगा, जो कि अब आज तक नहीं खुल पाया। और दीवारें पहले कच्ची रही ना भैया ये? नहीं, ईंट की बनी थी। अच्छा, ईंट का बना हुआ था ये? हाँ हाँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।